नमस्कार, मैं बलबीर सिंह, कांग्रेस का उम्मीदवार नगरोटा बलवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से। मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि 23 सितंबर आज 24 सितंबर हो गया है, मेरी कल से सिक्योरिटी जो है इन्होंने वापस बुला ली है, तो मुझे नहीं पता इसके पीछे किसका हाथ है और इनकी मंशा क्या है, क्यों ये वायलेशन हो रहा है। अगर सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, उनकी तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, हर एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट को बराबर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज देखो 2 दिन हो गए हैं इनकी तरफ से जो सिक्योरिटी जो वापस बुला ली, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको हार का डर है, सता रहा है, और कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है कि कहीं ना कहीं कुछ मुझे लगता है कि जो जनता मुझे जो प्यार दे रही है वो इनको वो नहीं पच रहा है। इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये टोटल वायलेशन हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, और मुझे बहुत सारे जो मेरे साथ मिसबिहेव जो कल हुआ, आगे भी मुझे आशंका है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इस पर बड़े संगीन तरीके से आज भी मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से को बता देना चाहता हूं कि टोटली ये वायलेशन हो रहा है, और मैं जो बचे हुए 6-7 दिन है, जो मेरे भाई नगरोटा की जो जनता मुझे लगातार जो प्यार दे रही है, लगातार जो मुझे सहयोग दे रही है, तो मैं आगे भी इनसे यही उम्मीद रखता हूं कि ये 5-7 दिन मुझे दें और मैं 4-5 साल लगातार ईमानदारी से पूरी इनकी सेवा करूंगा, और इनके साथ मैं हर घड़ी मुसीबत में खड़ा रहूंगा। और मैं एक बार फिर नगरोटा बलवाल की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस किस्म का खासूसन तौर पे मुझे नौजवान साथियों का प्यार मिल रहा है, इसी के साथ सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।